हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी मिठाई जिसे हम व्रत में भी और त्योहारों में भी बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो जन्माष्टमी आ रही है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है और साथ ही काफ़ी टेस्टी भी है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने ले लिया है 1/4 कप के लगभग मूंगफली। मूंगफली को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, लो फ्लेम पे करेंगे ताकि इसमें बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क ना हो और ये अच्छे से भुन भी जाए। तो यहाँ हमारा मूंगफली रोस्ट हो चुका है तो इसे निकाल देंगे प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पैन को साफ़ कर लेंगे और उसी पैन में 1 कटोरी हम मखाना लेंगे। मखाना की क्वांटिटी को हमें ज़्यादा रखना है। इसे भी लो फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसमें भी घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो। तो यहाँ हमारा मखाना भी भुन गया है तो मखाने को अच्छे से भुनना ज़रूरी है ताकि इसे पीसने में आसानी हो, ये अच्छे से पाउडर हो सके। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा मूंगफली भी ठंडा हो चुका है जिसका कि मैंने छिलका निकाल दिया। इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे पल्स करके हमें पाउडर करना है। इसे लगातार चलाते हुए पाउडर नहीं बनाना है वरना मूंगफली से ऑयल निकलने लगेगा। तो 2 बार मैंने पल्स कर लिया था मूंगफली को और इसे मोटी वाली चलनी में छान लेंगे ताकि हमें इसका एक फाइन पाउडर मिल जाए इस तरह से। और जो बचा हुआ मूंगफली का मोटा हिस्सा है उसे हम रख देंगे फिलहाल साइड में। और उसी ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे मखाने को। मखाने को भी हमें पल्स कर लेना है। 5 से 6 बार मैंने चालू बंद करके इसे पीस लिया है। अब इस मखाने के पाउडर में हम जो बचा हुआ मूंगफली का पाउडर था उसे डाल देंगे और फिर से एक बार पल्स कर लेंगे ताकि जो भी इसमें मोटा हिस्सा है वो पीस जाए। ये देखिए, अब फिर से हम इसे छान लेंगे ताकि हमें जो मिले पाउडर वो बिल्कुल फाइन हो, बारीक हो। सारा पाउडर जो भी है मिक्सर जार में उसे इसमें डाल के हम छान लेंगे। तो ये देखिए, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे आप किसी भी खाने में यूज़ कर ले, साबूदाने की खिचड़ी में डाल ले या उसे चटनी भी बना सकते हैं। अब उसी पैन में जिस कप से मैंने मखाने का मेज़र किया था उसी कप से 3/4 कप मैंने दूध लिया है। दूध को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर उसमें मिला देंगे 4 टेबलस्पून चीनी या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार जितना मीठा आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। चीनी को हमें बस डिज़ोल्व करना है। चीनी जब अच्छे से घुल जाए तब हम डाल देंगे इलायची का पाउडर और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे गैस का। और सारा जो मूंगफली और मखाने का पाउडर है उसे हम डाल देंगे और लगातार इसे चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना पड़े। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें मिलाना है। इस तरह से स्पैचुला को मसलते हुए हम मिश्रण को मिलाएंगे ताकि जो भी इसमें गुठली है वो ना रहे और एक स्मूथ सा हमारा मिश्रण तैयार हो। इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए रहना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ घी डाल दिया है पर घी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिना घी का भी बना सकते हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा घी मत डालिएगा क्योंकि मूंगफली में एक अपना तेल रहता है तो बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। जब ये मिश्रण पैन छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा हो जाए डो की तरह तब तक हमें इसे इसी तरह से मिलाना है। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे ही रखिएगा और लो फ्लेम पे करना है ताकि जो इसका कलर है वो चेंज ना हो। यहाँ देखिए, ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है, पैन छोड़ दिया है। अब इसे एक थाली पे मैं निकाल लूँगी। थाली को मैंने ऑयल से ग्रीस नहीं किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने घी डाला है तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसे फैला देंगे थाली में
जितना मोटा या पतला आप रखना चाहें। अब इसे इसके ऊपर आप गार्निश कर लें कटे हुए पिस्ता से, चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं आप। मैं कटे हुए बादाम इसमें फैला दूंगी। इस तरह से आपका जो भी, जिस तरह से भी आप इसे गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसे टैप कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब आधे घंटे के लिए इसे हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये पूरी अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो मखाने की कतली है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसे चाकू से आप काट लें, स्क्वायर या डायमंड किसी भी शेप में, जो भी आपको पसंद हो उस शेप में आप इसे काट लें। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। बनाना भी काफ़ी आसान है और जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अक्सर सभी के घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये देखिए काफ़ी आसानी से ये निकल भी जा रहा है जबकि मैंने प्लेट को ग्रीस नहीं किया था। अब इसे सजाने के लिए मैंने केसर को हल्का सा दूध में, गरम दूध में फुला दिया था, तो बस सेंटर में इसे एक एक केसर के धागे इस तरह से लगा देंगे ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। ये एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है, तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।